वेलकम बैक टू चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आप लोगों को जैसा पता है कि मैं आप लोगों को कस्टमर के थ्रू और अपने थ्रू भी बताता रहता हूँ कि किसी गाड़ी का, पर्टिकुलर किसी गाड़ी का क्या ओनरशिप रिव्यू है। तो आज जिस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये प्लेन तो बिल्कुल नहीं है जो ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि ये तो भाई गुजरते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये आते रहेंगे थोड़ी देर तक मेरे को लगता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी महिंद्रा थार डीजल ऑटोमेटिक 4x4 का जो हूँ एक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। इस गाड़ी को मैंने अगस्त में ख़रीदा था, ऑलमोस्ट 9 महीने इस गाड़ी को हो चुके हैं। 9 महीने में इस गाड़ी में मैंने क्या क्या करवाया, इस गाड़ी ने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, मुझे क्या चीज़ बुरी लगी, क्या अच्छी लगी, वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। और सबसे मेजर चीज़, अगर आप लोग 2022 में जाके ये सोचते हैं कि क्या आप लोगों को महिंद्रा थार खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने की वेटिंग गाड़ी के ऊपर चल रही है, प्रीमियम अलग चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों का मिक्स एक सोचना है इसके ऊपर कि कैसे क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बायस्ड रिव्यू नहीं देने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल दूंगा। मेरे पास एक गाड़ी है तो इसके बारे में अच्छा नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अगर आपके पास 18 से 20 21 लाख रुपए तो आप लोग कौन सी और गाड़ियों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और कैसा इसका जो है रिस्पॉन्स है। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो गाइस 2021 में आई वॉज वेरी डेस्परेट टू बाय महिंद्रा थार नई वाली। एक बार मैंने मूड बनाया, मैंने गाड़ी को चलाया तो मेरा जो है मन बन गया था कि यार गाड़ी जो है वो लेनी है तो महिंद्रा थार ही लेनी है। लेकिन अनलकली या लकली आप जो भी चीज़ बोलना चाहो, मुझे ये गाड़ी दिल्ली से नहीं मिली, ये गाड़ी जो है मेरी पंजाब की है, ठीक है। और आप लोगों ने वो पूरी वीडियो जो है देखी होगी तो इसका बाइंग वाला चीज़ आप लोगों को जो है सब कुछ इसके बारे में पता है। मैंने जो है ब्लैक कलर के लिए ऑप्ट किया था, मेरा जो प्रेफरेंस था वो ऑटोमेटिक था, डीजल गाड़ी मेरे को चाहिए थी। उस टाइम पे पेट्रोल का भी एक ऑप्शन आ रहा था लेकिन पेट्रोल के लिए मैं जाना नहीं चाहता था। एक कंसर्न सबसे बड़ा मेरा ये था कि यार मेरे को एवरेज थोड़ा सा एक कंसर्न था कि भाई हाँ जब मैं कहीं पहाड़ों पूड़ों में जाऊँगा तो मेरे को अच्छी एवरेज चाहिए। ऑल दो इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं है, लेकिन अगेन एक इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से आप गाड़ी की एवरेज देखते हो। ऑल दो इस गाड़ी की क्या एवरेज असलियत में है वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो बताऊंगा। हमने अपनी फैमिली में, जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक थार पेट्रोल भी खरीदी थी जिसको हमने खरीद के 10 दिन के अंदर बेच दिया था, उसका रीजन जो है मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में बात करते हो आउटर लुक के हिसाब से, तो आउटर लुक में लोग जो है इसमें जी वैगन वाली, रैंगलर वाली लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो किंग कॉन्ग वाली लाइट्स है। उसके अंदर इंडिकेटर नहीं आते लेकिन वो अच्छे है अगर आप अपग्रेड करना चाहो। बीच में ग्रिल बहुत सारी ABS की क्वालिटी में भी आती है, फाइबर की भी क्वालिटी में आती है। मैंने इसको फाइबर की क्वालिटी लगाया था क्योंकि एयरबैग्स के जो सेंसर्स है वो नीचे की तरफ में प्लेस्ड है, जिससे ये अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ टकराता है, कुछ होता है तो एयरबैग्स सक्सेसफुली खुलने चाहिए। आगे से अगर आप लोग बम्पर के बारे में बात करेंगे, बम्पर बिल्कुल स्टॉक है। इसकी जो फॉग लाइट्स थी इसके अंदर मैंने LED डाला और इसके ऊपर ये पन्नी चढ़वा दी, ठीक है। इधर जो है मैंने 9100 का बल्ब डाल लिया। अब आप बोलोगे मुसाफिर भैया आप तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन पर्सनली जिप्सी जब मैंने खरीदी थी उसके अंदर LED वाला सेटअप मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था, मैंने काफ़ी सारे बार चलाया है तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा था। तो लाइटिंग सेटअप के बाद से अगर आप लोग थार के बारे में बात करते हो तो थार जो है वो A1 है, ठीक है। आप लोगों ने ओवर द टाइम मुसाफिर को बहुत सारी गाड़ियों में 20, 22, 24 इंचेस जो है लगाते हुए दिखाए, जो है वीडियो बनाई है, तो मेरी गाड़ी में अभी तक 18 इंची लगे हैं। इसके अंदर जो कंपनी से MRF के वेंडर ऑल टेरेन टायर्स आते हैं वही लगा रखे क्योंकि मुझे इन टायर्स में कोई कमी नहीं लगी। अमेजिंग कम्फर्ट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी थोड़ी ब्रांडिंग करा ली इस गाड़ी के ऊपर, जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने PPF कराई थी, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पीछे की तरफ भी लेके जाता हूँ। ये शीशा ब्लैक नहीं कर रखा है, ये अंदर हम लोगों ने कर्टेन लगा रखा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कर्टेन आते हैं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर आती है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इस गाड़ी के अंदर हीट आपको कितनी फील होगी तो ऊपर से मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन जो शीशे हैं वो आप लोगों को जेन्युइनली बहुत गर्म कर देते हैं। पीछे की तरफ से अगेन हमारी स्टेपनी जो है वो अभी तक अनयूज्ड है, ये मेरे को यूज़ करनी है। ऑल्दो मैंने टायर्स को जो है रोटेशन करवा लिया था। इस गाड़ी में आप लोगों को सेंसर्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, एक रियर कैमरा मैंने लगाया था, अगर एक बार पास से आप लोग देखना चाहे, ये मैंने कंपनी से लगाया था। तो ये इंस्टॉलेशन जो थी ये मैंने कंपनी से कराई थी। पीछे मुसाफिर का आप लोगों को ब्रांडिंग जो है देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं थोड़ा सा गाड़ी के अंदर की तरफ में। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी इस गाड़ी के अंदर खरीद के आपको जो करवाना ही पड़ेगा वो है इस गाड़ी के सीट कवर्स, ठीक है।
इसके अंदर आप लोगों को ये अच्छे वाले सीट कवर्स लगाने पड़ेंगे जिसमें आप लोगों को थाई सपोर्ट मिले। देख लो भाई, ये नॉर्मल जो इसकी सीट्स है वो बहुत अनकंफर्टेबल है, इसमें आपको थाई सपोर्ट लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस गाड़ी के अंदर अगर आप लोग म्यूज़िक के बारे में बात करोगे तो बिल्कुल बहुत बेकार ऑडियो सेटअप का वो सीन मिलता है इसके अंदर, तो मैंने ऑडियो भी अपग्रेड करा रखा है। इसके अंदर डीडी का ऑडियो लगा हुआ है। जो इसकी हेड यूनिट है, अगर आप हेड यूनिट देखेंगे, दिस इज़ स्टॉक जैसा आता है, बहुत बढ़िया है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पर आजकल वो वाले AMG वाले AC वेंट्स लगा रहे हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। ठीक है, अब अगर आप इसके गियर बॉक्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा जो शिफ्टिंग होता है, ठीक है, तो ये आप लोगों का ड्राइव मोड हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये पार्किंग हो गया। सबसे बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोगों की कहीं भी तरीके की लाइट नहीं जलती है, ऑल्दो आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे उधर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, इसका AC बहुत चिलर है, मज़ेदार है, ख़रीदा मतलब अगर है तो वही वर्थ बिल्कुल है। यहाँ से आपकी लाइटिंग का सेटअप यूज़ होता है, यहाँ से वहाँ का दिखा रहे हो, इधर दिखाओ ना, ये लाइटिंग का सेटअप है आप लोगों का, और ये आप लोगों के जो है वाइपर्स का पूरा रिस्पॉन्स जो है इसके अंदर रहता है। साथ ही साथ में इधर भी आप लोगों को जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये हिल डिसेंट है बेसिकली, अगर आप इधर देखोगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपको हिल डिसेंट वाली चीज़। ठीक है, ये आप जब पहाड़ों से उतर रहे हो तो आपको हेल्प मिलती है। ये आप लोगों का ट्रैक्शन कंट्रोल है, गाड़ी में हमेशा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ही रहता है, अगर आप ऑफ करना चाहे तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोग ऑफ कर सकते हैं। और आई गेस ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, रुक जाओ, हाँ ठीक है, अभी ऑफ हो गया, इधर लिखा हुआ देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा ऑन ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, और एसेसरीज में आप लोगों को बता देता हूँ क्या चीज़ें मैंने लगाई थी इसमें। ये आर्मरेस्ट लगाया है, काफ़ी ज़बरदस्त दिखने वाला आर्मरेस्ट है, स्पेशियस ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा आर्मरेस्ट जो है बनाया गया। ठीक है, और मोटा मोटा इस गाड़ी के अंदर एक डैश कैम लगा रखा है। ठीक है, अब आपको मैं सच्चाई और अच्छी चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग महिंद्रा थार लेने का प्लान कर रहे हैं 2022 के अंदर, अगर आप 20-21 लाख रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 20-21 लाख, अभी क्योंकि आई गेस 50,000 रुपये और बढ़े हैं, 20-21 लाख रुपए के लिए अगर आप लोग कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं और आपका ये सोचना है कि मैं महिंद्रा थार एज अ फैमिली कार खरीदूंगा, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिस कार इज़ जस्ट 2-सीटर। अब आप बोलोगे भैया इस गाड़ी में पीछे भी तो सीट दी, एक बार दिखाओ। ठीक है, तो पीछे सीट के सबसे मेजर ड्रॉबैक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक तो अगर आपकी गाड़ी में AC चल रहा है और बाहर 40 डिग्री का टेम्परेचर है, पीछे वाला क्लस्टरफोबिक हो जाएगा। एक तो शीशे नहीं खुलते हैं, वो बिल्कुल टाइट पूरे बंद शीशे हैं, सीट्स ऑल दो कम्फर्टेबल है, लेकिन होगा क्या, जब आप लोग कहीं पर भी होंगे और आपका जो पीछे बैठा बंदा है वो हमेशा आपको बोलेगा भाई AC की हवा बढ़ा दे, इस वेंट को इधर कर दे उधर कर दे, तो ये चीज़ आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो पीछे के हिसाब से ये गाड़ी केवल 2 सीटर है, हम लोग भी, मैं और मेरी वाइफ जो है इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, पीछे वाली जगह जो है वो स्पेस के लिए ही यूज़ की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने महिंद्रा की कोई भी गाड़ी चला रखी है या फिर अगर आपने कोई भी SUV चला रखी है, तो इस गाड़ी को आप लोग उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं हैंडलिंग के मामले में, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो आप लोगों को हाइड्रोलिक मिलता है, और ये स्टीयरिंग एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के बावजूद, मतलब एक कंपैरिजन में नॉर्मल हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से ज़्यादा भारी है। कंपैरिजन अगर आप मेरी चॉइस के हिसाब से करते हैं, मेरे लिए इट्स ओके, लेकिन अगर एक नया बंदा है जिसके पास पहले कोई नॉर्मल SUV थी, उनके लिए ये एक तरीके से पावर स्टीयरिंग वाला फील ही नहीं देगा। मतलब आप लगा लो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाला जो फील होता है, पूरा टाइटनेस वाला, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों का स्टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को डेड पेडल नहीं मिलता है। डेड पेडल क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर आप लोगों को ये डेड पेडल मिलता है जिसमें आप अपना ये पैर रखे रहे और आप लोगों का राइट वाला पैर ही वर्किंग करे, ये आप लोगों को आफ्टर मार्केट में जाके लगाना पड़ता है। अब ऑल्दो इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में इसके बारे में बात होने लग गई है, एवरीबडी इज़ गोइंग फॉर थार, सबके पास ही थार है, कई सारे लोग रिग्रेट भी कर रहे हैं, कई सारे लोग खुश भी हो रहे हैं, तो ये आप लोगों का एक पर्सनल ओपिनियन, इसमें चॉइस जो है आप लोगों की बनती है। एक और चीज़, इसके जो साइड के, मतलब ये जो मिरर्स आप लोगों के पावर विंडोज़ है, वो यहाँ से नहीं मिलते, यहाँ पर ऑल्दो आप लोगों का ये एडजस्टमेंट मिलता है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं, इसको आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा क्या होता है, कभी कोई एकदम से आया था तो आप एकदम हड़बड़ाओगे भाई उधर से खोलने का इधर से खोलने का, तो ये चीज़ आप लोग जो है फील कर सकते हो। इस गाड़ी के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हो, एक बार मैं आप लोगों को आगे दिखाना चाहूँगा, जैसे मेरा व्यू पॉइंट जो है इसमें आप लोगों को पूरा बोनट का फील जो है वो आता है। लेकिन अगर आप लोग बहुत गर्मी में कोई जगह में इसको ट्रैवल कर रहे हो, ऑल्दो आप लोगों के ये वैनिटीज लगे हुए हैं, लेकिन इस वैनिटी को लगने के बाद आपका व्यू पॉइंट जो है वो आधा कट जाता है, जिसकी वजह से इसको हमें खोल के चलाना पड़ता है और सारी जो धूप होती है वो हमारी आंखों में लगती है। एंड अगेन, आप लोग अगर ज़्यादा देर तक ड्राइव करोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपकी आंखों के ऊपर भी स्ट्रेन पड़ता है। इवन इसके अगर साइड के शीशों का आप लोग साइज देखेंगे, ठीक है,
तो ये शीशे जो है भाई ये बहुत ज्यादा बड़े हैं और गर्मी जो है इसके अंदर से आती है इस एसी के वेंट में लगती है, तो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसके ऐसे करके ये शेड्स आते हैं जिसको आप लोग आई गेस ऐसे लगा सकते हो। ओके, तो ये शेड जो है वो कुछ ऐसे तरीके के लग जाते हैं, इसको एडजस्ट करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, और अब वो भी दिखाएगी बाहर से आपको। ठीक है भाई, तो इससे भाई जमीन आसमान का फर्क पड़ता है और दिल्ली की गर्मी में हम इसी से बच रहे हैं। ऑल दो इस गाड़ी के साथ अगर आप मेरे ट्रिप्स के बारे में बात करोगे, आई डिड नेपाल, आई डिड फुल राजस्थान का टूर, थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने उत्तराखंड की ट्रिप करी थी, और नॉर्मल ट्रिप्स तो मैं घूमता ही रहता हूँ इस गाड़ी में। अब अगर आप बात करोगे डेली कम्यूट करने के लिए, क्या महिंद्रा थार एक अच्छी गाड़ी है? एज अ नॉर्मल पर्सन, नो, महिंद्रा थार इज नॉट अ गुड डेली यूज कम्यूटर वाली, क्योंकि अब जिस चीज़ के लिए इंडियन को मैटर करता है ना, इंडियंस लोगों को, कल एक भाई की मैंने गाड़ी देखी थी, उनमें 15.7 लिखा हुआ था, मेरी गाड़ी में हद से हद 11 या 10.5 या 11.5, हद से हद 12, इससे ऊपर की एवरेज नहीं आती है। ऑल्दो मैं गाड़ी ठीक चलाता हूँ, मैंने इस गाड़ी को करीबन 16,065 चला चुका हूँ, और ये टोटली देख लो भाई आप लोग, ठीक है, एंड इट वॉज टोटल वर्थ इस गाड़ी को ड्राइव करने का। 80 के ऊपर जाते ही इसके अंदर एक टिन 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 बजती है, 120 के बाद टन 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 बजता रहता है। कई सारे लोग बोलते हैं कौन सी तार काट के आवाज़ बंद हो सकती है, मत करो, आपको पता चलना चाहिए कि आप हाई स्पीड में चला रहे हो एंड आपका माइंड जो है उससे अलर्ट रहता है। ठीक है, मेजर चीज़ तो बता दी, एसी के बारे में आप जानना चाहोगे कि एसी कितना इफेक्टिव है। आगे दो बैठे हुए लोगों के लिए एसी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर साइड से धूप आ रही है, बीच बीच में ऐसा लगता है कि एसी चलने का ट्रिप मार सकता है, ऐसा फील होता है। एंड अगेन मेरे चॉइस के हिसाब से इट्स गुड। हार्ड टॉप की क्वालिटी के बारे में, तो हार्ड टॉप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, एक पॉइंट जहाँ से आपकी गाड़ी में आवाज आएगी पास आउट। ऑल दो मैंने अपनी गाड़ी में तो पूरा डैम करा रखा है, ऊपर ही दिखाओ इधर, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं दिखेगा, ये पॉइंट है, ये ऐसे करके रबर हटता है, ये हट जाता है, इसके नीचे इधर उधर इधर और पीछे दो जगह, यहाँ यहाँ पर जो है इन्होंने नट लगा रखे मेजर वाले, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो आवाज़ करते हैं चलते हुए, मतलब ऐसा फील होगा कि कोई बॉल जैसी हिल रही है, टन 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 हिल रहा है, थोड़ा इरिटेटिंग है, लेकिन तेज़ आवाज़ में चलाओगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ओवरऑल अगर आप लोग बात करते हो कि भैया गाड़ी का कंफर्ट लेवल कैसा है, गाड़ी का कंफर्ट लेवल इज़ रियली गुड, लेकिन अगर आप लोगों के पास इससे पहले कोई कंफर्टेबल गाड़ी थी तो आपको महिंद्रा थार बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और इस गाड़ी की फील बता दिया, ये बता दिया, ऑडियो भी आप लोगों ने आने वाले वीडियोस में मेरे सुन, मतलब पिछली वीडियोस में सुन लिया होगा। कैबिन नॉइस के बारे में एक बहुत बड़ा बात है कि NVH लेवल कैसे है, नॉइस वाइब्रेशन वाला जो सीन है वो क्या है। इस गाड़ी में बड़ी खतरनाक कैबिन नॉइस आती है और एयर ब्लास्ट आपको अंदर भी फील होता है, जो कि आपको 70 की स्पीड से, इवन कभी 60 से भी शुरू हो जाता है, तो वो हवा कहाँ से आती हुई आप लोगों को सुनाई देगी, एक बार देख लो भाई। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में ये कोई दिक्कत तो नहीं है कि इतनी हवा आती है इस कॉर्नर से, इधर से, इधर से, उधर से, कहीं से भी आ रही होती भाई, पता नहीं चलता हो, ठीक है। तो ये तो भाई एक ओनरशिप का जो है राइट और बढ़िया वाला रिव्यू आप लोगों के लिए। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास 20-21 लाख रुपए है तो क्या आपको महिंद्रा थार के लिए जाना चाहिए? अगर ये क्वेश्चन का जवाब आप मेरे से बिल्कुल बिना बायस्ड हुए पूछोगे तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इतने पैसे हैं और महिंद्रा थार आप लोग एज अ सेकेंडरी या फिर सैटरडे संडे चलाने वाली गाड़ी के हिसाब से चूज़ करने वाले हो, तभी इस गाड़ी के लिए जाए। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतने पैसों के अंदर आप लोगों को बहुत सारी अच्छी गाड़ियों का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें किया, क्रेटा, ये सब वाली सेगमेंट वाली गाड़ियाँ भी आप लोगों को जो आपके बजट के अंदर फिट हो जाती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो आप लोगों को इस गाड़ी का कम्फर्ट जो है कंपेरेटिवली दूसरी गाड़ियों के हिसाब से नहीं मिलेगा। फोर्थ एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, इस गाड़ी के अंदर स्टोरेज नहीं मिलती है, ठीक है भाई, आई शो यू दिस, इस गाड़ी के अंदर स्टोरेज नहीं है। अब आप बोलोगे भैया यार आप तो यार ऐसे बता रहे हो, आपके पास तो गाड़ी है, आप इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो भाई मैं आप लोगों को अपना यूसेज भी बताऊंगा, उसके बाद आई गेस मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। इस गाड़ी के अंदर मैंने एक 8 इंची का सबवूफर लगाया है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ट्रैवल वाला जो सामान है वो है, इसके अंदर एक एयर इन्फ्लेटर है, ठीक है, तो इसके बाद इस गाड़ी के अंदर मैं कुछ रख नहीं सकता हूँ। अब एज अ लेमैन अगर आप लोग पूछते हैं, एक नॉर्मल बंदा अगर इस गाड़ी को ख़रीदता है तो उसके लिए ये एक तरीके से मतलब वो हो जाएगा कि भाई वो जजमेंटल हो जाएगा, उसके घर वाले उसको बोल सकते हैं हम कहाँ बैठे, हमारे लिए तो जगह है नहीं। लेकिन अगर आप लोग बात करते हो मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरे घर वाले भी पर्सनली, मेरे पेरेंट्स जो है उस गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको, मैं आपको ताश दिखाता हूँ भाई, मैं अपनी गाड़ी के अंदर पीछे केवल एक दो बार ही बैठा हूँगा जब कुछ काम से गया हूँगा। इस गाड़ी में पीछे जाने के लिए इट्स अ हसल, ऑल्दो अगर आप यंग है तो आपके लिए तो वही है, लिव यंग लिव फ्री। ये ऐसे फोल्ड हुआ, ये आगे गया, यहाँ पर पैर रखा, ये ओ तेरी भाई,
बड़ी जोर से लगाई है ना आर्मरेस्ट। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, पीछे थोड़ा क्लस्टरफोबिक वाला सीन तो है, बाहर उतरते हुए तो उसमें जान निकल जाती है भाई। जनरली आपकी गाड़ी का कुछ भी तोड़ सकता है कोई बंदा, चाहे तो कोई मोटी मोटी बात। ये शौकिया गाड़ी है, ये शौकिया गाड़ी है। जो लोग ट्रैवल करते हैं, जिनको ऑफ रोडिंग वाला फील चाहिए या फिर जिसको ट्रैवलिंग का फील है, जो वाइफ हस्बैंड बच्चे बेटे, मतलब वही बात है भाई, अगर आप दो लोग घूमते हो तो आप लोगों के हिसाब से ये गाड़ी जो है बहुत अच्छी है। गाड़ी के इंजन की पावर के बारे में बात करते हो तो बहुत रिफाइंड है, बहुत फील आती है इस गाड़ी के अंदर। आप लोगों को गियरबॉक्स टॉर्क कन्वर्टर मिलता है तो उससे आप लोगों को प्लस पॉइंट है, ठीक है। हमें इतने चढ़ने में उतरने में मेरी सांस चढ़ गई, ठीक है। तो आई गेस मैंने एक ओनरशिप रिव्यू दे दिया है। टिल डेट अगर आप लोग बात करते हैं 9 महीने बाद, क्या ये डील जो है वो अच्छी थी या फिर ये बुरी थी, तो डील जो मेरे पर्सपेक्टिव से थी वो अच्छी थी, लेकिन अगेन आप अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग ज़रूर सोचेगा। आखिर से ज़्यादा पीछे मत जाइएगा, कुछ गंदगी गिरी हुई है आपके पैर में लग सकती है, ठीक है। तो आई गेस मैंने आप लोगों को पूरा आइडिया दे दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों के पास महिंद्रा थार है तो क्या क्या बातें मैंने जो आप लोगों को बताई है, क्या आप लोग उससे भी हामी भरते कि नहीं भरते, एंड क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा। और जितने भी लोग वेट कर रहे हैं अपनी महिंद्रा थार के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने लोगों ने महिंद्रा थार से दूसरी गाड़ी में स्विच कर लिया या फिर उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा के दूसरी गाड़ी ले ली, आपके लिए भी थम्स अप है। एंड थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग थार लेने का सोच रहे हो और इस वीडियो को देख लिया और वो अपना सब खुजा रहे हैं, तो भाई और ऑप्शंस भी देखो, थार भी ले सकते हो, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट अ फैमिली कार, इट्स जस्ट अ टू सीटर। ये अपनी वो होती है ना ओपन, जिनकी रूफ नहीं होती है, तो ये वो वाली फील वाली गाड़ी है, तो वैसा आप लोग इस गाड़ी के साथ रखेगा। बाकी आप लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव कैसा लगा आज की वीडियो में जरूर मेरे को लाइक शेयर कमेंट करके बताना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम मुसाफिर तगैरा, फेसबुक मुसाफिर कास्ट। सो विद दिस सेड गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।